नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। मेरे पास कल एक मैसेज आया है, वे बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब, पहले जब मैं मास्टरबेशन किया करता था, जब मैं जवान था, तो उससे मैं अच्छी मात्रा में मुझे सीमन आता था। सीमन की क्वालिटी भी अच्छी रहती थी और सीमन की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती थी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से सीमन एक या दो बूंद ही आ रहा है, या कई बार तो मैं मास्टरबेशन करता हूँ तो सीमन बिल्कुल भी नहीं आता। तो दोस्तों, सीमन की क्वालिटी और सीमन की क्वांटिटी, ये दोनों ही आपकी सेक्सुअल हेल्थ को दर्शाती हैं। अगर आपकी सेक्सुअल हेल्थ ठीक है तो सीमन की क्वालिटी भी अच्छी होगी, सीमन की क्वांटिटी भी अच्छी होगी। लेकिन अगर आपकी सेक्सुअल हेल्थ ठीक नहीं है तो सीमन की क्वालिटी भी कम हो जाएगी और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सीमन कम आ रहा है या एक दो बूंद आ रहा है, या कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो सीमन अगर कम आ रहा है तो इसके चार कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो है टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स की कमी, और ये सबसे बड़ा कारण है। अगर आपके टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स कम बन रहा है तो निश्चित तौर पर सीमन कम बनेगा और इसके साथ साथ स्पर्म भी कम बनेंगे। दोस्तों, सीमन कम आने का दूसरा कारण है रुकावट होना। अगर आपका प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है, प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से सीमन रुक गया है, और कई बार तो प्रोस्टेट सीमन को बाहर ही नहीं निकलने देता, अंदर मूत्र की थैली में भेज देता है, यानी कि सीमन तो बन रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है रुकावट के कारण से, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन के कारण से। दोस्तों, इसका तीसरा बड़ा कारण है टेस्टिस का छोटा हो जाना। हमारे टेस्टिस का साइज अगर छोटा हो जाता है किसी इन्फेक्शन की वजह से, या चोट लगने की वजह से, या वेरिकोसील हो जाने की वजह से टेस्टिस का साइज छोटा हो जाता है। अगर टेस्टिस का साइज छोटा हो जाता है तो इसके काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है, तो इस कारण से भी आपका सीमन वॉल्यूम कम हो सकता है। और चौथा कारण है दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, दिन में 2-3 बार मास्टरबेशन करते हैं, तो इससे भी आपका सीमन का वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि एक स्वस्थ पुरुष के टेस्टिस एक दिन में केवल 4 ml ही सीमन का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप दिन में 2 या 3 बार मास्टरबेशन कर रहे हो तो कैसे सीमन बाहर आएगा? या आपको धात की समस्या है, सीमन वैसे ही बाहर निकल रहा है, तो प्रोडक्शन से ज़्यादा सीमन बाहर निकल रहा है। ऐसे में जब आप मैथुन करते हो उस समय सीमन बाहर नहीं निकलता। तो ये 4 बड़े कारण हैं, 4 मेजर कारण हैं जिससे आपके सीमन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डाउन हो सकती है। दोस्तों, अगर आप अपने सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 सुझाव दूंगा। 2 सुझाव के साथ साथ एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई दूंगा जिसको अगर आप लगातार 2 से 3 महीने तक सेवन करते हो तो ये आपके सीमन की क्वालिटी को भी बढ़ाएगी, सीमन की क्वांटिटी को भी बढ़ाएगी। अगर आपके सीमन के अंदर स्पर्म कम हो गए हैं तो ये स्पर्म के काउंट को भी बढ़ाएगी। स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, स्पर्म का वॉल्यूम, सभी को ये बढ़ाती है। तो सबसे पहला सुझाव तो ये है दोस्तों कि आप पानी की मात्रा को बढ़ाएं। अगर आप दिन में 2 लीटर पानी पीते हैं तो उसे 3 लीटर कर लें, अगर 3 लीटर पीते हैं तो 4 लीटर पानी पिएं। क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी ग्लैंड हैं उन सभी ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ता है, तो ग्लैंड के सिक्रेशन बढ़ने से आपके सीमन की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। दूसरा मेरा सुझाव, मैं अक्सर आपको देता रहता हूँ कि आप कीगल एक्सरसाइज करें। कीगल एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो इससे आपके प्रोस्टेट की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, और प्रोस्टेट की एक्सरसाइज होने से प्रोस्टेट संबंधी सभी बीमारियाँ ठीक होती हैं। अगर आपके प्रोस्टेट का साइज बड़ा हुआ है, प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन है, तो ये सभी प्रॉब्लम आपकी कीगल एक्सरसाइज से ठीक हो जाएंगी। और तीसरा मैं आपको होम्योपैथिक दवाई बताने वाला हूँ, इसका नाम है ट्रेवलस्टेर। इसका चित्र भी आप देख लीजिए। ट्रेवलस्टेर एक इंडियन आयुर्वेदिक दवाई से तैयार की जाती है और सीमन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, सीमन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ट्रेवलस्टेर को आप 10-10 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पी सकते हैं। तो ट्रेवलस्टेर एक तो आपके प्रोस्टेट के इन्फेक्शन को ठीक करेगा, पेशाब में अगर जलन हो रही है, प्रोस्टेट में अगर कोई रुकावट पैदा हो गई है, या नलियों के अंदर कोई रुकावट पैदा हो गई है, या नलियाँ सिकुड़ गई हैं, उसको भी ट्रेवलस्टेर ठीक कर देता है। और जितने भी मेरे मित्र जो यौन समस्या से जूझ रहे हैं, कीगल एक्सरसाइज जरूर किया करें, क्योंकि अगर आप दवाइयों के साथ साथ कीगल एक्सरसाइज डेली करोगे तो इससे आपकी रिकवरी होने की स्पीड बढ़ जाएगी। तो मेरे चैनल पर पुरुषों की सभी यौन समस्याओं के ऊपर मेरे वीडियो हैं। अगर आपको भी कोई यौन समस्या रहती है तो आप मेरे चैनल हेल्थ इंडिया पर विजिट करके मेरे वो सभी वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं उन यौन समस्याओं के कारण, उनके लक्षण और उनकी सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ।